वर्मी कामपोष को बायो फर्टलाइजर भी बोलते हैं और यह जो है एक कह लीजिए कि खाद का प्रकार है जिसको हम केचुओं के माध्यम से बनाते हैं केचुआ जो है हमारा जो अर्थवर्म कहलाता है जो बरसात के दिनों में ज़मीन में ऑलरेडी जो है उपलब्ध रहता है इसी का उपयोग करके हमारे जो आ, फसल के जो अवशेष हैं उसके साथ प्रयोग करते हुए खाद का निर्माण कराना ही खाद का निर्माण करना वर्मी कम्प उस कहलाता है केचुए के द्वारा तैयार खाद और यह जो है एक प्राकृतिक खाद के रूप में जो है माना जाता है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है हम लोग को जानकारी होगा कि बहुत पहले जो है पाँचवीं क्लास में जो है पाठ चलता था कि केचुआ किसान का मित्र ऐसा जो है कोर्स चलता था मतलब ये जो है खेत का प्राकृतिक रूप से जुताई करते रहता है और जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है उसमें वायु संचार को बढ़ाता है अभी वर्तमान में जो खेती कर रहे हैं इसमें हमने रसायनों का प्रयोग को बढ़ा दिया है चाहे खाद के रूप में हो चाहे दवाई के रूप में हो चाहे निदानाशा के रूप में जिसके चलते हमारा पर्यावरण और मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है अब इसको ठीक करने की जरूरत है इसीलिए विश्व स्तर पर राष्ट्र स्तर पर राज्य स्तर पर जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है अम्मा जी मैं चली स्कूल ने। सकूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने आप भी चलो ना। फार्म स्कूल जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम जन, जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया हम सब ने विकास का विकास सहकारिता है अपने विकास की पहचान कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी अरे हर कु बीज कीटनाशक और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है भैया एक मेरे लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ गाँव और शहर शहर में बात चले राष्ट्रीय मिशन की लहर चले श्री लगाना और जैविक खेती अपनाना प्रशिक्षण विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें राष्ट्रीय बागवानी मिशन जीवन संवारे खुशियाँ फैलाए नमस्कार साथियों फलदार वृक्षों के रोपण में चार से पांच वर्ष के पश्चात ही फलदार वृक्षों की गुणवत्ता का पता चलता है इसलिए फलदार वृक्षों के रोपण की नर्सरी प्रबंधन बहुत ज़रूरी है नर्सरी में अच्छे बीजों का चुनाव करके उसका रोपण किया जाता है पौधों की वृद्धि की जाती है और उसके साथ ही उसे नए स्थान में रोपण करने के लिए तैयार किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से किया जाए इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णेंदू साहू सर आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है यदि आप नर्सरी तैयार करने फलदार वृक्षों की नर्सरी तैयार करने को व्यावसायिक रूप से अपनाना चाहते हैं या अपने लिए फलदार वृक्षों की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं इस संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा हो आपकी कोई प्रश्न हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं हमारा नंबर है एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन नौ चार एक आठ आइए चर्चा की शुरुआत करें और हम जानेंगे कि फलदार वृक्षों की नर्सरी किस तरह से तैयार की जाए सर सबसे पहले नर्सरी प्रबंधन है क्या जी नर्सरी प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी, क्योंकि जैसे कि बच्चा एक होता है वो सबसे पहले नर्सरी में जाता है जी, जी, ताकि उसकी जो स्टार्टिंग जो उसको शिक्षा है वो उसको प्रा, प्राप्त हो वैसे पौधों में है कि जो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है जी, जैसे उसमें आते हैं नर्सरी प्रबंधन में बीजों की बुआई पौधे तैयार करना पौधे का रख रखाव और आपका मतलब सारी प्रक्रिया जो कि रोपण के पहले जी, जो किया जाता है वो सारे जो है नर्सरी प्रबंधन में आते हैं जी, 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 और इसका जो बहुत ही सही तरीके से नर्सरी प्रबंधन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो फल पौधों का जो रोपण होना है जी, जी, उसके बाद उसकी वृद्धि उसके उत्पादन उसके गुणवत्ता में जो प्रभाव हमको दिखेगा वो सारी चीजें जो है निर्भर करती हैं नर्सरी प्रबंधन पे इसीलिए इस जो नर्सरी प्रबंधन का काफी महत्व है फल पौधों जी। के लिए स्वस्थ और प्रमाणिक पौधे तैयार करने में नर्सरी के महत्व को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं जी नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहला तो हमको ये ध्यान में रखना है कि बीजों का चुनाव जो है हमको सही करना है बी बीमारी से ग्रसित बीज नहीं होना चाहिए स्वस्थ बीज हमको चुनाव करना है और जिन पौधों का व्यावसायिक या वानस्पतिक प्रवर्धन होता है जी जी। उसमें हमको जो अच्छी वैरायटी जिसकी हमको कैरेक्टर जो है, है। या गुण हमको चाहिए वो हमको सही जगह से हमको सेलेक्ट करना है जी चुनाव करना है जी। और आगे जो इसकी प्रक्रिया है उसमें प्रॉपर इसका जो ट्रीटमेंट है या उपचार वगैरह करने की जो जी, प्रक्रिया है जी, जी। वो सारी प्रक्रिया हमको पूरे ध्यानपूर्वक करनी है जी, जी। ताकि आगे चल के हमारा पौधा स्वस्थ हमको प्राप्त हो फल पौधा जो है और उसको आगे हम जब मेन उस फील्ड में हम इसको ट्रांसप्लांट करें या रोपण करें हाँ। तो इसकी वृद्धि अच्छे से हो और ताकि इसमें उत्पादन भी अच्छे मिले जी जी सर बीजों का तो आपने बताया कि अच्छे किस्म के बीज का चयन करना चाहिए मिट्टी का चयन कैसा हो स्थान का चयन कैसा हो जहाँ पर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं इस विषय में हमारे किसान भाइयों को बताइए जी ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने क्योंकि मिट्टी या जो स्थान का चयन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फल पौधों की जो बात है इसमें अगर हम बीज से बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी बेड में अगर बुआई कर रहे हैं तो जो मिट्टी होना चाहिए वो प्रॉपर हमको बेड तैयार करना है नर्सरी अच्छा। बेड और वो अगर बरसात के मौसम में हम बीजों की बुआई कर रहे हैं तो रेस्ट बेड मतलब उठा हुआ बेड होना चाहिए अच्छा अच्छा। ताकि उसमें पानी जो है प्रॉपर उसमें ढल जाए जी पानी का जमाव ना हो जी जी और इससे क्या होता है कि फफूंद जनित रोग आने की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है जी जी। दूसरा सर, पहले एक साथी का फोन सुन ले हम। जी। हेलो हेलो हाँ नमस्कार जी जी। नमस्कार आप कौन बोल रहे हैं अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए हाँ नमस्ते नमस्कार आप कौन बोल रहे जी पूछिए क्या पूछना है आपको

बीच से हम इसका प्रवर्धन करते हैं तो इसमें फल आने में नौ से दस साल लग जाते हैं तो आज का जो समय है वो कम समय में हमको जल्द से जल्द हमको फल चाहिए तो इसके लिए इसका जो व्यावसायिक प्रवर्धन की अगर हम बात करें तो इसमें हार्ड उड कटिंग से अगर हम इसका प्रवर्धन करते हैं या लेरिंग से एयर लेयरिंग जो इसको गुटी भी बोलते हैं इसका प्रवर्धन से हम पौधे तैयार करते हैं तो इसमें जो है फल आपको एक साल के अंदर में आपको फल आने लगेंगे अब रही बात इसमें पौध आपको कहाँ से प्राप्त होंगे एनआरसी सिट्रस जो है नागपुर में स्थित है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस ये यहाँ से जो क्वालिटी जो पौधे हैं नींबू नींबू वर्गीय जितने भी पौधे हैं यहाँ तैयार किए जाते हैं रिसर्च किए जाते हैं और अगर आप उद्यानिकी विभाग या कृषि विभाग से संपर्क करके और इस पौधों को अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप आसानी से संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट एनआरसी नागपुर से आप संपर्क करके इसको मंगवा सकते हैं जी जी सर इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि पौधशाला की मिट्टी किस तरह की हो स्थान का चयन किस तरह से किया जाए स्थान का बहुत ही इसमें महत्व होता है क्योंकि अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी जो होता है एक बच्चे जैसा मतलब इस अवस्था होती है पौधे की वो प्रॉपर उसको केयर एंड मेंटेनेंस रख रखाव की जरूरत होती है जी, तो इसके लिए हमको आ, पौधे की अगर हम बडिंग ग्राफ्टिंग है ना वो व्यावसायिक अगर प्रवर्धन के माध्यम से हम पौधे तैयार किए हैं तो उसके लिए रखने के लिए हमको छायादार जो जगह है हुँ, या हुँ, पेड़ के नीचे या नेट इस तरह से जो जगह है वहाँ पे हमको रखना है ताकि इसको प्रॉपर जो नमी है वो बनी रहे जी, और इसमें जो तापमान है वो मध्यम बना रहे इस तरह से अगर हम आ, पौधे का रख रखाव करेंगे तो हमारा जो सफलता उसमें मिलेगा जो प्रवर्धन है उसमें 80 से नब्बे परसेंट तक प्रतिशत तक हमको सफलता प्राप्त हो जी। सकती है सर आपने बताया कि मिट्टी से भी फवुन जनित कुछ रोग हो सकते हैं तो पौधशाला की मिट्टी को रोग मुक्त रखने के लिए मिट्टी का उपचार किस तरह से करना चाहिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने पौधशाला में जो मिट्टी हम जिसमें हम सीड सोइंग या फिर पौधों का जो सोइंग करते हैं उसमें बीजों का जी जी. तो इसके लिए भूमि जो है जी. इसको रोग रहित हमको बनाना है क्योंकि जी. मिट्टी ऐसी जगह है जहां पे काफी मात्रा में फफूंद या जो मिट्टी जनित रोग कारक है जी ये छुपे होते हैं जी जी. तो हमको सोइंग के पहले हुँ. जो मिट्टी के उपचार करने के लिए फार्मेल इसका सॉल्यूशन बना लेना है मतलब एक डेढ़ एम दो एमएल तक सौ मिलीलीटर पानी में इसका घोल बना के अच्छा, चार से छह लीटर जो पानी का जो सॉल्यूशन है उसको एक स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसमें हमको इसका उपचार करना है उसके बाद इसको कम से कम दस दिनों तक पॉलीथीन सीट से उसको ढक देना है पूरी तरह कवर तो उसके बाद जो होते हैं जो रोग कारक होते हैं उसमें मर जाते हैं और हमारी जो मिट्टी होती है वो स्वस्थ हो जाती है और बाकी इसमें जो है प्रॉपर नमी हमको बना के रखना है आ, मिट्टी में ताकि हमारा जो आगे ग्रोथ है या वृद्धि है पौधों की वो अच्छी सही, सही, सही हो सके सर फलदार वृक्ष जो है वो अलग अलग किस्म के होते हैं तो इसकी नर्सरी तैयार करते हुए क्या अलग अलग विधियों से तैयार करना चाहिए फलों के हिसाब से विधियां क्या अलग अलग होती है नर्सरी तैयार करना बिल्कुल मैम सर बताइए अलग अलग पौधों की जो विधियां हैं अलग अलग है पहले क्या होता था कि जो एक ही तरीका उपयोग किया जाता था जैसे बीज से तो बीजों का उपयोग करके अगर फल पौधों का अपन रोपण करते थे तो उसमें फल आने में काफी समय लग जाता था अच्छा। कई बार तो ऐसा होता देखा जाता था कि नौ दस आ, साल में हमको फल प्राप्त होते थे जी, जी. क्योंकि इतना लंबा समय इंतजार करना किसान के लिए लाभदायक नहीं, नहीं है होता। इसलिए आज का जो समय है जी. ये व्यावसायिक प्रव, प्रवर्धन इसमें हुँ. या वनस्पतिक प्रवर्धन जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं इसका दौर चल रहा है हुँ. तो जैसे हम बीज लेकिन कुछ फल जो है वो बीज से ही तैयार होते हैं जैसे पपीता हो गया और एसिड लाइम हो गया नींबू हो गया इनका जो पौधे तैयार होते हैं मेन जो प्लांट है वो हमको बीज से प्राप्त होते हैं जी, लेकिन इसमें बहुत सारी विधियां हैं जैसे हम स्टेम कटिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है हार्ड वुड कटिंग अच्छा, या कठोर कास्ट जो है कटिंग जी, दूसरा होता है आपका सेमी हार्ड वुड तीसरा होता है आपका सॉफ्टवुट अच्छा, तो वुड कटिंग की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जब तना में जो शाखाएं जो आती हैं पौधे जी, में जी, तो उसमें जो लिग्निफाइड या भूरे कलर की जो शाखाएं होती हैं एक साल से ऊपर की जो शाखाएं होती हैं उसका चयन करके हमको इसमें पौधे हम तैयार करते हैं अच्छा, हार्डवूड कटिंग में कटिंग के जब पौधे तैयार करते हैं तो एक साल पुराना हमको कटिंग उसमें लेना है उसमें तीन से पांच बड होने चाहिए जिससे कि हमारा रूट का फॉर्मेशन होता है ये जड़ उसमें से निकलता है और इसमें हमको कटिंग के लिए जो या मैं कहना चाहूँ कि अगर पौधे तैयार करने के लिए अनुकूल जो समय है हाँ। ये बिल्कुल उपयुक्त समय जुलाई से लेके सितंबर तक का अच्छा। है तो जुलाई का जो स्टार्टिंग है और सितंबर लास्ट यहाँ तक अगर किसान भाई पौधे तैयार करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है और इसमें अगर कटिंग लगाते हैं किसान भाई तो उसके लिए कटिंग कम से कम पंद्रह से बीस सेंटीमीटर का जो लंबा शाखा है उसको पेंसिल थिकनेस का जो होता है या छोटी उंगली की मोटाई का उसको चुनाव कर लेना है उसमें तीन से बड होने चाहिए तीन से पांच बड होने चाहिए और उसके बाद इसमें दो से चार लीप को हमको रखना है ताकि पौधा मतलब हमारा जो कटिंग है वो सूखे ना इसलिए उसके बाद हमको सोल्यूशन बना लेना है जी, जो अपना आ, आई या रूटेक्स करके जो हार्मोन आता है जी, ये आ, रूट इसमें या जड़ जल्दी आने के लिए इसको उपयोग किया जाता है हार्मोन को ये लगाना काफी जरूरी है अगर हमको जल्दी इसमें जड़ चाहिए या पौधे हमको तैयार करना है तो उसमें हमको सॉल्यूशन बना के डिप करके इसको लगाना चाहिए जी, अगर मेन फील्ड में अगर किसान भाई इसको लगा रहे हैं तो इसको थोड़ा तिरछा लगाना है अच्छा। ताकि पानी जो पड़े तो उसमें जो है पानी रुके ना और अगर पानी रुकेगा तो इसमें बीमारी आने की समस्या रहती है जी, जी, तो इसलिए थोड़ा स्लाइंटिंग मतलब कि तिरछा हमको लगाना है मेन फील्ड या तो फिर पॉली बैग जो आता है उसमें मीडिया भर के मतलब गोबर की खाद और मिट्टी का जो मीडिया है वो भर के किसान भाई आसानी से इसमें लगा सकते हैं तो इस विधि से हार्ड हार्डवुड कटिंग से जो है ये हो गया आपका काजू और अंजीर जी। ये और आम का भी किया जा सकता है आ, अंगूर है ये जितने भी हैं ये हार्डवुड कटिंग से हम लगा सकते हैं जी, जी। अब दूसरी बात आती है सेमी हार्डवुड सेमी हार्डवुड कटिंग जो है ये भी बहुत सारे फलों का जो प्रवर्धन है उसके लिए उपयुक्त विधि है जैसे आपका अमरूद हो गया आम हो गया आपका काजू भी हो गया इसमें और आपका अनार ये सब जी जितने भी हैं सेमी हार्डवुड कटिंग से लगाया जाता है और इसके लिए भी जो मेथड मैंने बताया इसमें बस ये है सेमी हार्ड सर एक साथी फोन सुन लें हेलो 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 हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हम अपनी आपकी बात जारी रखें जी सेमी हार्डवुड का मतलब ये है कि उसमें जब हम चुनाव करेंगे शाखा का जी। तो उसमें जो मैंने बताया भूरा कलर जो होता है जी, वो जी, पूरा लिग्निफाइड नहीं होना चाहिए मतलब सर हमारे एक साथी का फोन है हेलो 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 संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है आप अपनी बात पूरी करें जी मैम इसमें जो है जो फ्रेश जो ग्रोथ है या वृद्धि वाली जो पार्ट या भाग होता है तो उसका शाखा का वो हरा कलर का होता है अच्छा। तो हरा कलर को हमको उपयोग नहीं करना है अच्छा। एक साल पुरानी शाखा जो है उसको पेंसिल थिकनेस या छोटी उंगली की मोटाई का हमको उसको सेलेक्ट कर लेना है चुनाव कर लेना है और उसके बाद उसको 15 से 20 सेंटीमीटर इसका भी वैसे ही है अच्छा। इसकी जो कटिंग का हम ले लेते हैं जिसमें कि दो से चार इंच में आपको पत्तियां होनी चाहिए ताकि पौधा सूखे ना इसके बाद सेम वैसे हम जैसा हार्ड रूट कटिंग में किए थे तो इसका भी रूटेक्स या ग्रोथ रूट प्रोमोटिंग हार्मोन में इसको करके हमको करना है दो से चार जी, पत्तियां जी, उसमें जी, हमको काट देना है। जी, हमारी साथी का फोन सुन लें हेलो 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 नमस्कार आप कौन बोल रहे हैं जी गोविंद जी क्या पूछना चाहते हैं आप

क्योंकि जो मुख्य फसल है उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही लेकिन हमारे जो खेतों में अधिकतर जो मेड़े होती हैं वो खाली पड़ी रहती हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है तो ऐसे मेड़ों में खाली मेड़ों में आप पपीता अनार नींबू ये जो है फसलों फलदार वृक्षों का रोपण करके आसानी से इसमें दो मीटर बाई दो मीटर की दूरी में आप इसका रोपण करके आप प्रॉपर इसमें कोई आपको ना छायादा इसमें आपका नुकसान करेगा मुख्य फसल को ना कुछ आसानी से आप इसकी फसल ले सकते हैं अतिरिक्त आमदनी आप इससे ले सकते हैं जी सर जैसा कि गोविंद भाई ने अभी पूछा कि अपने खेत में ये पौधे तैयार करना चाहें लगाना चाहें अगर ऐसे ही व्यावसायिक तौर पर हमारे युवा भाई अगर नर्सरी को नर्सरी तैयार करने को व्यावसायिक रूप में अपनाना चाहें तो क्या इनको कहीं से कुछ प्रशिक्षण मिल सकता है जी मैम बिल्कुल किसान भाई या युवा जो है अगर इनका रुचि है बहुत तैयार करके अगर पहले गे... हम एक साथी का फोन सुन ले हेलो 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 नमस्कार आप कौन बोल रहे जय जोहार आप कौन बोल रहे हैं भागवत निर्मल कर छत्तीसगढ़ में बोला था जी भागवत जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं

नींबू जो है ये भी काफी उपयुक्त फसल है आपके बेमेतरा जिला के लिए तो ये जितनी भी फसल है ये आप आसानी से आपके जो डबरी उसके आसपास चारों ले सकते हैं सर हम बात कर रहे थे कि अगर व्यावसायिक तौर पर नर्सरी तैयार करना हो तो उसकी प्रशिक्षण हमको कहाँ से प्राप्त हो सकता है ये काफी अच्छा प्रश्न है क्योंकि किसान भाई या युवा जो है आज के समय में आ, अगर उनकी रुचि है पौध तैयार करने के लिए जी. तो सबसे पहला तो ये है कि उनको प्रशिक्षण होना जरूरी है प्रशिक्षित होना जरूरी है जी. तब जाके वो क्योंकि एक कला है ये भी पौध तैयार करना तो इसके लिए जो प्रॉपर इनको नॉलेज होना जरूरी है तो इसलिए अगर प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो उद्यानिकी विभाग जो है या नर्सरी जो है सभी ब्लॉक में सभी जिले में छत्तीसगढ़ के यहाँ पे आ, अवेलेबल है जी। और उसके साथ ही साथ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी समय समय पे वहाँ की जो नर्सरी है वहाँ पे प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है जी। तो किसान भाई आ, अपने जो क्षेत्र है वहाँ के या युवा जो है अगर अपने क्षेत्र के उद्यानिकी विभाग कृषि विभाग से संपर्क करके आसानी से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और पौध तैयार करके लाभ कमा सकते हैं जी सर नर्सरी तैयार करने में शेड नेट हाउस किस तरह से तैयार करते हैं इसमें नर्सरी कैसे डेवलप करते हैं जी मैम ये बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि हमने अगर पौध तैयार कर लिया है जी, उसके बाद दूसरा जो हमको उसको बचाना है उसका रख रखाव करना बहुत ही जरूरी है जी, तो हमको पौध तैयार हमने कटिंग कर लिया या वहां से हमने मेन जो प्लांट है वहां से गुटी को हमने अलग करके पॉली बैग में हमने लगा लिया जी। उसके बाद इसको प्रॉपर जगह एक हमको देना है जिसमें कि इसको पर्याप्त नमी मिल सके मध्यम तापमान मिल सके ताकि इसकी जो वृद्धि है वो अच्छे से हो सके अच्छा। तो इसके लिए जो सेड नेट है ये बहुत ही अच्छा इसमें माध्यम है क्योंकि शेड नेट ऐसा स्ट्रक्चर uh, होता है संरचना होता है जिसमें धूप uh, जो है तो डायरेक्ट इसमें सनलाइट इसमें नहीं पड़ता है जी जी। सन uh, सनलाइट की इंटेंसिटी इसमें कम होती है तो इसमें uh, थोड़ा धूप भी मिलता है पौधों को और छाया भी बना रहता है जी। तो इसीलिए नेट की जो आपने बात की ये बहुत ही अच्छा जगह है जिसमें कि uh, पौधों को आपके लगाने के बाद इसमें हार्डनिंग एक जो शब्द है हार्डनिंग जो है पौधों को हमने लगा दिया पॉली बैग में उसको कुछ दिन 25 से 30 दिन हमको कम से कम इसको रखना पड़ता है नेट हाउस में जी, ताकि ये जो है मेच्योर हो जाए अच्छे से सेट हो जाए पौधे पॉली बैग में ताकि इसको मेन फील्ड जो है हमको नहीं, नहीं, या मुख्य खेत में लगाने के लिए ये सशक्त हो जाए जी, 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 तो जी, किसान भाई अपने खेत में भी नेट तैयार कर सकते हैं जी मैम किसी तरह से जो है आसानी से तैयार किया जा सकता है इसमें अगर आ, किसान भाई कम लागत में शेड नेट तैयार करना चाहते हैं तो बम्बू या बांस आधारित संरचना जो है इसमें बना के वो आपका वलयाकार इसमें संरचना बना के उसमें जो शेड नेट जो है मार्केट में अवेलेबल, अवेलेबल है।, है।, है अलग अलग इसमें में का सेड नेट आता है जरूरत के हिसाब से फिफ्टी में सेवेंटी फाइव में तो किसान भाई मार्केट से इसको ले सकते हैं खरीद सकते हैं और शेड नेट बनाने के लिए गवर्नमेंट शासन की सब्सिडी भी मिलती है अच्छा, किसान भाइयों को तो इसमें फिफ्टी परसेंट तक सब्सिडी है शेड नेट बनाने के लिए जी, जी, तो वो उसका भी लाभ ले सकते हैं किसान भाई और इसमें फल पौधे ही नहीं काफी जो सब्जियों की भी नर्सरी है अतिरिक्त जो फसल उसके इसमें जो है ऑफ सीजन कहना अच्छा, चाहिए उसका कुछ फसल है जो कि इसका गर्मी के सीजन में भी इसमें खेती कर खेती सकते, किसान कर भाई। सकते जी सर पॉली हाउस क्या है इसमें किस तरह से नर्सरी तैयार की जाती जी। है हाउस में एक जो संरचना है जी। टोटल अगर स्कूल जो बोला जाए तो ये सभी है ग्रीन हाउस है अच्छा इसका जो कवरिंग मटेरियल जो होता है ऊपर का उसके बेस पे इसका अलग अलग इसका कर दिया अच्छा, गया है जी, जी. पॉलीथिन सीट का जो कवर अगर हम ऊपर रखते हैं तो वो हो जाता है पॉली हाँस. अच्छा। जैसे हमने इससे पहले बताया सेडनेट हाउस जी जी तो सेडनेट जो होता है उसका हमने कवर किया तो उसको इसलिए कहते हैं सेडनेट हाउस स्ट्रक्चर वही रहता है इसमें बस जो कवरिंग मटेरियल है उसके बेस पे ये अलग हो जाता है मैम जी, जी तो पॉलीहाउस भी एक बहुत ही अच्छा संरचना है पौधों को तैयार करने के लिए ताकि हार्डनिंग करने के लिए हमको ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है पॉलीहाउस सेडनेट हाउस जी जी ताकि पौधे इसमें सुरक्षित रहते हैं जी जी तो इसलिए काफ़ी उपयोगी है ये जी जी सर जो लोग तैयार पौधे लेकर नर्सरी से तैयार लेकर पौधे लेकर अगर फलदार वृक्षों की खेती करना चाहते हैं उन्हें पौधे कहाँ से उपलब्ध हो सकेंगे किस किस फल के पौधे कहाँ उपलब्ध हो सकेंगे कृषि विभाग के द्वारा जी मैम अगर किसान भाई या जिनको जरूरत है पौधों की वो सबसे पहले तो ये है उनको ये ज्ञान होना है कि हमको बीजू पौधा हमको नहीं लगाना है अच्छा तो जब भी किसान भाई पौधों का चयन या खरीदने जाए तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये पौधा ग्राफ्टेड है कि बडेड है बडिंग से तैयार किया गया है कि ग्राफ्टिंग से तैयार किया गया है कि घूटे से तैयार किया गया है जी, जी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना सबसे पहले जरूरी है किसान भाइयों को और आजकल जो है हर ब्लॉक में नर्सरी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है तो किसान भाई वहाँ जो शासकीय नर्सरी है प्राइवेट नर्सरी सभी जगह आजकल पौधे बहुत भरपूर मात्रा में सभी फलों के जो पौधे हैं तैयार मिल जाते हैं जी, जी. तो किसान भाई आसानी से इन पौधों का खरीदारी कर सकते हैं फलदार पौधे जो है इनका मूल्य भी काफी रहता है सब्जियों की नर्सरी से अच्छा अच्छे. तो इसीलिए अगर किसान भाई खुद से एक पौधा भी ले आते हैं खरीद के अच्छी वैरायटी का हुँ. और उससे वो हजार पौधे बना सकते हैं जी जी पूर्णेंदु साहू सर आप हमारे स्टूडियो में आए हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आज बस इतना ही नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार